नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बोलिए, शुरुआत करते हैं। 24 के जंग में प्रथम के चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल को देश भर के कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और पूरी ताकत से चुनाव प्रचार भी किया। हालांकि अब चुनाव प्रचार थम चुका है, चुनाव आयोग ने मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस के रण में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि मतदाताओं को अपनी ओर खींच सके। बीजेपी ने जहां पीएम मोदी सहित स्टार प्रचारकों की पूरी फौज मैदानी जंग में उतार दिया, वहीं कांग्रेस में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी तिकड़ी के कंधों पर रही, यानी राहुल, प्रियंका और खड़गे ने मोर्चा संभाला। तो बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने 9 सहयोगी वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के साथ उड़न खटोला पर घूम घूम कर चुनाव प्रचार किया। साथ ही नवरात्रि में मछली खाकर देश भर में सुर्खियां बटोरी तो संतरा खाकर बीजेपी को चढ़ाया। वहीं यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने साइकिल को दौड़ाने की कोशिश की। हाथी के लिए मायावती और दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन डीएमके उम्मीदवारों के लिए जनता से समर्थन मांगा, लेकिन सब पर भारी रहे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने चारों दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी सारे देश को नाप डाला। जब रामनवमी के दिन अयोध्या धाम में सूर्यवंशी भगवान राम के बाल रूप रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक कर रहा था, जो अद्भुत और अतुलनीय था, तब राम भक्त पीएम मोदी पूर्वोत्तर राज्य असम की चुनावी रैली में प्रचंड गर्मी के बीच प्रभु श्री राम को याद कर रहे थे। देश सदियों की साधना की, पीढ़ियों के बलिदान की सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी ये उपस्थिति, ये जनसैलाब महान ब्रह्मपुत्र के विस्तार से कम नहीं है। और मैं तो देख रहा हूं, ये पब्लिक मीटिंग 3 मंजिला है। एक तो लाखों लोग मेरे सामने बैठे हैं, दूसरे हजारों लोग उधर सामने ऊपर बैठे हैं, और तीसरे सैकड़ों लोग ऊपर ब्रिज पर खड़े होकर के सभा सुन रहे हैं। 24 का रण 7 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई, सातवां चरण 1 जून। 4 जून को वोटों की गिनती। प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने से महज कुछ घंटे पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटोर्शन कहते हैं, एक्सटोर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। एनडीए को पीडीए हराएगा, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे
और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग होगी, जिनमें लोकसभा की 102 सीटें शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर के उधमपुर, छत्तीसगढ़ की बस्तर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम की एक एक सीट पर वोटिंग होगी। वहीं मेघालय के शिलोंग और तुरा सीट सहित मणिपुर के 2 सीट पर भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक नजर राज्यवार सीटों पर। बिहार में 4 सीट पर होगी वोटिंग, जमुई, औरंगाबाद, गया, नवादा। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर मतदान। असम में 5 सीटों पर चुनाव, डिब्रूगढ़, जोरहाट, काजीरंगा, लखीमपुर और सोनीपुर। एमपी में 6 सीटों पर मतदान, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सीधी और शहडोल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमू, रामटेक और नागपुर सीट पर होगी वोटिंग। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर सीट पर भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार सीट पर मतदान। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान। यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में भी 19 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में सभी 39 सीटों पर मतदान। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान का दावा है कि जमुई में 19 अप्रैल को मतदान एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में मतदान होगा। इसलिए नहीं कि वो मेरे जीजा हैं, बल्कि पीएम मोदी को लगातार 30 बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। देखिए, प्रधानमंत्री जी का के प्रति लोगों में एक दीवानगी है। लोग चाहते हैं, बिहारी खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी जितना यहाँ पर आएंगे उतना हमारे गठबंधन को लाभ होगा। और हम बार बार कहते हैं कि 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। पहले चरण के मतदान में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। बिहार में जमुई और नवादा, एमपी में छिंदवाड़ा, राजस्थान में बीकानेर, यूपी में पीलीभीत, नगीना और महाराष्ट्र में नागपुर, जहां दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रथम चरण के चुनाव प्रचार समाप्त होने पर राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 19 तारीख को 4 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई की तमाम मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए और साथ ही विकसित बिहार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। एक स्टेटमेंट बताइए जहां पे आपको लगता हो कि जेडीयू के घोटाले की चर्चा हमने किया हो, एक स्टेटमेंट दीदी बता दो, आप बता दीजिए तो मैं मान लूंगा। लालू जी के घोटाले की चर्चा रोज करता हूं और पहले भी करते रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत और नीतीश कुमार जी पर कभी ये नहीं कहा कि घोटाले की पार्टी है। वहीं बांका जिला के बाराहाट प्रखंड स्थित भेड़ा मोड़ खेल मैदान में बुधवार को तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने बांका सीट से आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव को एक बार फिर जिताने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा में बांका के मतदाताओं से कहा कि महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश भर के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं वीवीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और जावेद इकबाल ने भी रैली को संबोधित किया। और आगे बढ़ते हैं। अब खबर छपरा यानी सारण से है, जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी बिटिया और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार किया और रोहिणी को अपना आशीर्वाद देने की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान लालू ने कहा कि सारण की जनता ने मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया, इसलिए उनके प्रति मेरा विशेष स्नेह। तो निकले हैं और सारण उनकी कर्म भूमि रही है, हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है। लोगों की मांग थी, चाहत थी कि उनके बीच लालू जी आए, तो आज
वो गए हैं वहाँ, भाई नेता हैं वो, उनके नेतृत्व में महागठबंधन यहाँ इंडिया अलायंस चल रहा है, क्यों नहीं करेंगे? जो लोग संविधान को बदलेगा खुद ही खत्म हो जाएगा। और बिहार में आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है, वो भी ठीक मतदान से पहले। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी इस्तीफा पार्टी से उन्होंने दे दिया है। अपना इस्तीफा पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है। वहीं रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के शिपालपुर में ईडी के द्वारा छापेमारी किया गया है। बताया जाता है कि लालू के करीबी सुभाष यादव के बालू कारोबार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने यह छापेमारी की है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में रामनवमी के मौके पर महावीर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और राम भक्तों ने वीर हनुमान जी के दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया। पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म उत्सव पूरे भारत में क्या उसी उपलक्ष्य में चंडी के नगरी वहीं सासाराम में कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्रीराम की शोभा यात्रा में काफी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। प्रभु श्रीराम और हनुमान सहित अन्य भगवान की झांकी भी निकाली गई। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और खबर मधेपुरा से है, जहां रामनवमी के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में श्रीराम के जयकारों से चारों ओर गुंजायमान हो गया। शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ गया और लोग नाचते गाते श्रीराम के जन्म का उत्सव मना रहे थे। तो रामनवमी पर यह भव्य शोभा यात्रा मधेपुरा में निकाली गई, जहां पर राम धुन पर जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, उन्होंने राम के नारे के साथ नृत्य किया और नाचते गाते दिखाई।